दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कोई एक ऐसी मशीनरी हो जिससे पानी की बौछार से किसी भी चीज को दो भागों में कितने भी भागों में काट दे। मतलब कि ये ऐसा हुआ कि जिधर जिधर आप पानी की बौछार को आप रोटेट करोगे ले जाओगे उसको क्या करेगा कि दो भागों में काट देगा। ये तो कमाल की चीज है यार। तो इसको हम लोग वाटर जेट मशीन बोलते हैं या वाटर जेट कटर बोलते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि प्लाज्मा कटर होता है या सीएनसी रोटेटर मशीन के बारे में भी मैंने बताया है। इसके अलावा भी आपको इसी चैनल पे एक दो और वीडियो आने होगी जिसमें कि आपको लेजर कटिंग मशीनरी क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसे मशीनरी के बारे में बताने वाला हूं कि जिसके बारे में आप देख के एकदम से चौंक जाओगे, क्योंकि ये पानी को इतना फोर्सफुल्ली ये डालता है कि ताकि ये कट जाता है कोई भी मेटल। अब दोस्तों पहले क्या होता था ना कि पानी एक जगह इकट्ठा किया जाता था और इकट्ठा करने के बाद एक पे एक उस पानी को हटा दिया जाता था ताकि पानी इतने फोर्स से आए कि पहाड़ या कोई भी चीज तोड़ने में आसानी हो। तो यार पानी सबको पता होना चाहिए कि पानी बहुत पावरफुल चीज है और बहुत हाई प्रेशर में काम करती। अगर बात करें इस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक मेटल रखी हुई है और यहाँ ऊपर से नोजल से जो आ रही है वो वाटर है, वाटर जेट हो रही है। मतलब इतनी फोर्स से वो पानी आ रही है कि आपका कोई भी मेटल कट जा रहा है। तो आइए दोस्तों इसी के बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी प्राइस क्या है और इससे क्या क्या चीजें होती हैं। आपको ये वीडियो देख के पक्का मुझे यकीन है कि बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, मैं इसके बारे में बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया हूं जो कि आपको देखने के बाद काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों मेरे चैनल का टैगलाइन एक प्रयास है, तो हमारी प्रयास रहती है आप तक अच्छे वीडियो पहुंचाने का। तो आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों मैंने तो बता दिया कि पानी के बौछार से कोई भी चीज कट सकता है, पर आपके दिमाग में होगा कि आखिर ये चीज कैसे कटता है। तो आपके दिमाग में होगा कि हाउ इट डज वर्क। तो सर सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो वाटर होता है वो हाई प्रेशर का होता है। मतलब जो ये बम्बार्ड हो रहा है वो हाई प्रेशर का वाटर होता है। लेकिन केवल पानी से क्या कट सकते हैं क्या कोई मेटल? नहीं, मेटल के लिए हम लोग एक एबर्सिव सैंड भी मिलाना होता है। एबर्सिव सैंड जो होता है उससे क्या होता है कि पानी में मिलके वो दोनों एक साथ जाते हैं और वो अगर आप यूज करोगे तो ज्यादा कटिंग होता है। तीसरा चीज होता है जो एबर्सिव सैंड को मिक्स किया जाता है वो पंप की मदद से मिक्स किया जाता है, और जो रूबी होता है वो डायमंड होता है वो नोजल में, आपका जो ये नोजल दिख रहा है उसमें यूज होता है। दोस्तों तो ये तो आप कहोगे कि ये कैसे कटता है। अब आपके दिमाग में होगा कि आखिर क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। यूज करने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस है दोस्तों। सबसे पहले ये रीजन है कि ये जो होता है ये आपका फोम हो या टेक्सटाइल हो या किसी तरह का अल्मोनियम हो, ये सारी शीट को कट कर देता है वाटर जेट की मदद से। तो सबसे पहले आप जान लो कि इसकी जो नोजल की डायमीटर होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। दूसरी बात कि इसमें थर्मल स्ट्रेस नहीं होता है, जैसे कि आप देख रहे हो पानी की केवल बौछार हो रही है, इसमें कोई आग वगैरह नहीं होता। लेकिन लेजर लाइट यूज करोगे तो उसमें आपको आग की भी बौछार होगी दोस्तों। तो इसमें फायर हजार्ड नहीं होता और कुछ भी कट एनीथिंग को कट कर सकता है। जैसे आप मान लो कि आपका कोई भी तरह का टाइल्स है, मार्बल्स है या एक्रेलिक है, वो ग्रेनाइट है, वो सारी चीजों को काट देगा। और रेट में भी ये चीपर होता है, इसकी रेट चीप होती है। और ये जो एक चीज मेन बात है दोस्तों कि इसमें जो एबर्सिव मटेरियल लगती है उसी का रेट ज्यादा लगता है, बाकी सारी चीजों का रेट उतना ज्यादा नहीं लगता है। चलिए दोस्तों अब ये जान लेते हैं क्या इसके एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसकी प्रोज जो होती है कैन कट सॉफ्ट मटेरियल लाइक रबर, टेक्सटाइल, ये किसी भी चीज को काट देता है। अगर वही आप लेजर से काटोगे तो उसमें आग होती है, अगर रबर को काटोगे तो रबर मेल्ट कर जाएगा, टेक्सटाइल में आग लग जाएगी, और ये नॉन कंडक्टर को भी काट देता है। तीसरी चीज ये है कि ये अनइवन सरफेस को भी काट देता है, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, उभरा हुआ है, उसको भी ये काट देता है। और चौथी चीज की जो एज क्वालिटी होती है इसकी काफी शानदार होती है। ये तो इसके सारे प्रोज हुए। कॉन्स की बात कर ले तो ये वेरी एक्सपेंसिव होता है, जो इसके साथ पर इंच की कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है। दूसरा चीज की एबर्सिव जो होती है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, वेरी मासी होता है। मतलब एक्सपेंसिव मतलब कि जो ये बोरी टू बोरी इसमें यूज करनी होती है, और मासी मतलब ये कि अगर आप यूज करते हो तो देख रहे हो कितना किचकिच हो रहा है, पानी नीचे की तरफ आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि वो नीचे जाती है। दूसरा चीज कि अगर प्लाज्मा और लेजर यूज करते हो तो इस तरीके की किचकिच पानी नहीं होती है। और जो मासी का मतलब ये भी हो गया कि ये नॉइज बहुत करता है और कीचड़ भी फैलाता है। दोस्तों भाई लोग जब मैंने बोला था कि कैन कट एनीथिंग तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये फालतू बकवास कर रहा है, कोई भी चीज को पानी के बौछार कैसे कट सक रहा है। तो दोस्तों मैं बहुत सारी चीजों को फुटेज लेके आया हूं जिसमें आप देख के भरोसा कर सकते हो कि ये पानी के बौछार से ही कट रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये गैस की सिलेंडर है,
यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है, आपको जो आपका वाटर जेट है उसको इस राउंड से उस राउंड तक ले जा रहा है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे फटाफट कट के तैयार। तो यार ये गजब की मशीनरी है और ये काफी इफेक्टिव मशीनरी है। इसके साथ साथ दोस्तों मेरी इसी चैनल पे आपको और 3 वीडियो आएगी, एक तो प्लाज्मा कटिंग को लेके, एक लेजर कटिंग को लेके। जैसे आपको भी पता है कि लेजर लाइट से आपका कोई भी मेटल कट सकता है, तो पर उसमें क्या होता है ना यार कि उसमें थर्मल स्ट्रेंसिंग होती है और वो फायर हजार्ड उसमें यूज होता है, तो आपको उसके बारे में भी जानने में काफी इंटरेस्ट होगी। तो उस पे दोनों टॉपिक पे वीडियो आएगी। अगर आपको सीएनसी मशीन के बारे में जाननी है कि सीएनसी वुड कार्विंग कैसी होती है या सीएनसी एल्युमिनियम पे कैसे कारीगरी होती है, तो उन दोनों की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वो दोनों वीडियो देख के आपको बहुत सारा चीजें की जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों देखो एक कमाल की मशीनरी है जो कि कोई भी चीजों को कट कर देती है। दोस्तों एक मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि जो यार इसमें एब्रेसिव मटेरियल डालते हैं ना, जो सैंड टाइप की होती है, मैंने बताया वो बैक टू बैक यूज होती है और उसके साथ साथ इसमें बिजली भी ज्यादा यूज होती है और पानी भी और प्लस में सैंड भी, अगर आप हार्ड मेटल काटोगे तब। इसलिए इसकी जो एक्सपेंसिव कॉस्ट होती है, देखिए ये मशीन की कॉस्ट उतना नहीं है कंपेरिजन टू प्लाज्मा सीएनसी एंड लेजर, बट इसमें जो मटेरियल यूज होती है वो कोर्स एब्रेसिव बैक टू बैक यूज होगा, मतलब कि जितना बैग आपको यूज कर पाओ वो डाल सकते हो दोस्तों। तो इसमें कॉस्ट जो किस चीज की बढ़ती है, तो एब्रेसिव मटेरियल की, बिजली की, पानी की। अब दोस्तों आपके भी मन में होगी कि ये मशीन कहाँ मिलेगी यार, इसकी प्राइस क्या है और क्या ये इंडिया में पॉसिबल है मिलना। तो हाँ दोस्तों बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो इस मशीनरी का यूज करते हैं और ये कट करने के लिए नहीं यार, ये इससे ये नहीं कि कोई भी चीज़ बर्बाद करने के लिए काट दो, इसे नक्काशी करने के लिए। कोई भी चीज़ को काटना है अगर मान लो और उसको मान लो राउंड शेप में यूज करना है किसी चीज़ में, किसी मशीनरी में, तो इसको राउंड शेप में गोल गोल काट के उसको यूज किया जाता है, ना कि इसका यूज इसलिए होता है कि कोई भी बढ़िया चीज है उसको काट कूट के बिगाड़ कर दो, ऐसी चीजों में इसकी यूज नहीं होती है। तो अब चलिए दोस्तों आपकी जो अंदर की चीजें हैं उनको जानते हुए पता करते हैं कि ये मशीनरी कहाँ मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर लाया हूँ, यहाँ पे एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग मशीन की कीमत 30 लाख रुपए लिखी हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम। यहाँ पे यार कॉल ना और होता है, यहाँ पे आप कॉल करके आप पता भी कर सकते हो, आप हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मत करो, इनको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर जेट की मशीन की 48 लाख की कीमत है। यहाँ एब्रेसिव वाटर इसलिए लिखा है कि जो इसमें सैंड यूज होगी वो एब्रेसिव होती, सो कोर्स एब्रेसिव बोलते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको दिखा रहा हूँ कि एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग मशीन लिखी है, इसकी 30 लाख कीमत है। ऊपर में आप देख रहे हो कि जस्ट सीएनसी की जैसी इसकी इंटरफेस होती है। पावर सोर्स इलेक्ट्रिक है, ऑटोमेटिकली ये यूज होती है, कंडीशन न्यू है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत सारी मिल जाएगी जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये क्या क्या काटती है, तो ये मेटल, स्टोन, मार्बल, रॉक, प्लास्टिक एंड वुड एंड स्टील सारी चीज को ये काट देती है। तो काटना का मतलब बर्बाद करना नहीं हुआ, उस पर नक्काशीगरी करना है, अगर गोल करके कहीं यूज करना है तो उसको इसमें यूज होता है। एक मशीन ये मैंने देखा इसकी कीमत 50 लाख है। अब मैंने ये इसलिए देखा कि 30 लाख और 50 लाख में क्या इसमें अंतर आती है। तो यार देखो जब आप ये मशीनरी लोगे ना तो इसके साथ आपको पैनल्स भी मिलेंगे, जैसा कि ये आपको पैनल दिख रहा है, इस पर वाटर जेट आपको पीला कलर के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे ये होता है, इसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं, इसी पे हम लोग को काम होता है। और ये जो होता है ये सिलेंड्रिकल नुमा होता है जो कि आप जब ये मशीनरी विजिट करोगे और आप देखोगे इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे तो आपको इजीली मिल जाएगी। अब इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बात करें तो ये ब्रांड योगांडा का बनी हुई है, इसकी जो ऑटोमेटिकली है पूरी पूरा और मोटर रेटिंग 37 किलोवाट की है। और आप नीचे आओगे तो ये 5 एक्सिस में काम करती है और यहाँ पे जो आपका कटिंग थिकनेस है 100 mm तक का थिकनेस को ये काट सकती है दोस्तों। पावर सप्लाई आपको 50 SV की कनेक्शन 3 फेज लेनी होगी और यहाँ पे आपको अवेलेबल मॉडल नंबर भी आपको दी हुई है। इंस्टॉलेशन और आप सोचिएगा टेक्निकली डिटेल्स ले लें कि स्टेनलेस स्टील कितना डायमीटर का काट सकता है, एल्युमिनियम कितना डायमीटर का काट सकता है, ग्लास कितना डायमीटर का काट सकता है या टाइटेनियम कितना डायमीटर काट सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि टाइटेनियम की डायमीटर 40 mm है, ग्लास की अलग है। और अब आप एक्सिस की बात करेंगे कितना डिग्री पे करेगा, तो ए एक्सिस, बी एक्सिस और जेड एक्सिस सारा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। अब नोजल के डायमीटर भी यहाँ पे सारी चीजें लिखी, ये सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे ना आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और जब आप इसके पैनल्स देखोगे तो आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों। अब ये आप बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर से दबा देना और अपने दोस्तों में दबा के शेयर करो क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी। आप लोग भी कभी सोचे होंगे कि पानी के बौछार से भी मेटल्स कटते हैं और ये मेटल्स कटते हैं इसलिए नहीं क्योंकि ये अलग अलग तरीके का नक्काशी बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो यूज होता ही है, साथ ही साथ आपकी इसी चैनल पर लेजर से और प्लाज्मा से रिलेटेड आपको वीडियो आएंगी जिसके आपको हमको लग रहा है कि इंतजार होगा।
और दोस्तों हमारे चैनल का टैगलाइन एक प्रयास है, तो हमारी प्रयास रहती है आप तक अच्छी वीडियो के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि लकड़ी पे कैसे कारीगरी होती है, अल्मोनियम पे कैसे कारीगरी होती है, ये सारी वीडियो आपको देखने की इच्छा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख लो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों में शेयर करो। मैं बार बार बोलता नहीं हूँ पर ये सब वीडियो टेक्नोलॉजी बेस्ड है और एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड है और ये वही वीडियो बना पाते हैं जिनको मालूम होती है कि ये कैसे वर्क होता है। तो इन सारे वीडियो बनाने के लिए काफी रिसर्च करना होता है, बहुत सारी चीजों को जानना होता है, तो इसमें बहुत सारी मेहनत लगते हैं। बस मेहनत ही करते हैं हम लोग, इसके लिए ही बोलते हैं कि दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि वीडियो तो मैंने डाल रहा हूं पर उतना ज्यादा व्यू नहीं आ रहा है, इसका कारण ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट और सब्सक्राइब शेयर नहीं कर पा रहे हो। चलिए दोस्तों, आप उम्मीद है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए और इतना अच्छे से रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।